फ्रेंड्स, अगर आप परवल खाने के शौकीन हैं और परवल की एक ही तरह की सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज मैं लेके आई हूँ स्टफ परवल की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। आज के वीडियो में बताऊंगी कम मसाले और कम तेल के साथ स्टफ परवल कैसे बनाएं, तो ये रेसिपी जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो आइए आज की टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फ्रेश परवल लिया है, इसे एक बार धो लिया है और अब इसे हम छील लेंगे। साइड्स को थोड़ा थोड़ा ऐसे काट लेंगे और नाइफ से खुरसते हुए बस छीलेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं छीलना है, पूरा मोटा सा छिलका नहीं हटाएंगे, नहीं तो परवल सॉफ्ट से हो जाएंगे, बहुत गल जाएंगे। तो बस हल्का हल्का ऐसे खुरसते जाना है। सारे परवल को पहले हम छील के तैयार कर लेते हैं। वापस एक बार फिर से मैंने इसे धो लिया है और अब इसे हम काट लेंगे। तो काटने का तरीका भी ध्यान से देखिएगा, बस एक साइड से ऐसे काटना है, एक साइड से ये जुड़ा रहना चाहिए और उसके बाद अंदर का जो बीज है वो हम निकाल देंगे। तो चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है उससे निकालेंगे, जिससे कि परवल कटे ना और सारे बीज निकल जाए। तो इसमें हमें स्टफिंग भरना है, इसके लिए सारे अंदर के जो ये गुद्दा और ये बीज है सारे हम निकाल लेंगे। तो ये काम भी सावधानी से करिएगा, नहीं तो परवल जो है फट जाता है, नीचे से भी पूरा अलग हो जाता है। तो सारे बीज को हम ऐसे निकाल के रखते जाएंगे और इसके बीज को भी हमें फेंकना नहीं है, ये रखेंगे, बाद में हम स्टफिंग में यूज करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर एक छोटा मिक्सी जार लेंगे, दो प्याज मैंने लिया है बड़े साइज का, 10 से 15 लिया है छीला हुआ लहसुन, 2 से 2.5 इंच अदरक और 4-5 हरी मिर्च, यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा और धनिया लेंगे, साबुत धनिया यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून छोटी काली मिर्च और ढक्कन लगा के हम अच्छे से पीस लेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से ये हमारा जो पेस्ट तैयार हो गया है। एक पैन रखेंगे गरम होने के लिए, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने डाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा और प्याज फिर से मैंने लिया है 2, इसे मैंने चॉप कर लिया है एकदम बारीक काट के, या फिर चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिएगा। और प्याज को अच्छी तरह से एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। तो बस प्याज से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है, प्याज लहसुन अदरक ये सब, वो डालेंगे मिक्सी में, थोड़ा पानी डाल के वो भी निकाल लेंगे और मसाले को एकदम अच्छी तरह से भूनना है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, मसाला एकदम परफेक्ट भूनेगा तो रेसिपी अच्छी बनेगी। और जैसे थोड़ा सा मसाला भून जाएगा, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे गरम मसाला और इसमें धनिया जीरा पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में पीस दिया था, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और ये जो हमने रखा है परवल का बीज और गुद्दा, इसे भी मिक्सी में डाल के हल्का से चला लेंगे, पल्स मोड में, ज़्यादा नहीं पीसना है। तो ये भी हमारा जो है यूज हो जाएगा और इसे फेंकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें या फिर 1.5 टीस्पून डालें, जैसे आपको टेस्ट पसंद है वैसा डालिएगा। इसे अच्छे से मिलाएंगे और ये परवल का बीज और ये डालने से थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, तो हमें क्वांटिटी चाहिए स्टफिंग के लिए। और देखिए मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ये जो है अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल भी ये गीला नहीं है, तो परफेक्ट है। यहाँ पे लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे फ्रेश एकदम से काट के और इसे भी हम मिला लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पे स्टफिंग ठंडा हो चुका है, अब ये परवल ले लिया है मैंने, इसके अंदर हम स्टफिंग को भरेंगे। तो छोटा चम्मच लेंगे कि भरने में आसानी हो। तो जो परवल हमने बीच से काटा है उसमें हम मसाले को अच्छे से भरेंगे और देखिए बहुत आसानी से ये हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से सारे परवल को हम भर के तैयार कर लेंगे। तो स्टफ परवल बहुत ईजी भी है बनाना, आप जब चाहे बना सकते हैं और एक परवल की एकदम स्पेशल सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो सारे परवल को मैंने यहाँ पे भर लिया है, तो अब चलते हैं इसे पकाएंगे। हम वापस से पैन को साफ करेंगे और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, क्योंकि ज़्यादा डालने से स्टफिंग बाहर भी आ जाता है, बहुत ऑयली भी हो जाता है। तो बस 2 चम्मच में ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें परवल रख के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, ऊपर से ढक देंगे और ऐसे कुक होने देंगे।
तो बीच बीच में हटा के चेक करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ढक के पकाना जरूरी है कि इसमें स्टीम बनेगा और परवल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम बस बीच बीच में हटा हटा के ढक्कन हटाते जाएंगे और इसे हम पलटते जाएंगे। फिर से ढक्कन लगा दिया तो यहाँ पे और भी देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। थोड़े से मसाले निकलते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मसाले निकलेंगे तो, क्योंकि अंदर में पूरा इस मसाला भरा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार। तो ऊपर से चेक कर लेंगे, हमारा परवल यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है, हमारा स्टफ परवल बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इसे आप दाल चावल, रोटी पराठे, किसी भी चीज़ के साथ बना के सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।